एक्टर की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसको लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। I'm done with Kangana playing the woman card and the victim card. I'm done. इसी बातचीत का नाम कहीं कहीं पर गॉसिप्स तो कहीं कहीं पर कॉन्ट्रोवर्सीज है। In my biopic, if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism. चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर अखबारों की सुर्खियां या फिर गॉसिप मैगजीन्स, हर जगह पर शोर मचना जरूरी है। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रोवर्सीज एके बातचीत कोई आज का पैंतरा है या फिर बहुत पुराने जमाने से ये सब चलता चला आ रहा है? जी नहीं, ये आज की बात तो कतई नहीं है, जब एक्टर एक्ट्रेसेस अपने आप को हॉट टॉपिक बनाए रखने के लिए किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सीज को उठा लेते हैं। मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं है, मुझे कंगना की जरूरत है, तो मैं बस ऐसी उसी ये 70 के दशक के जमाने की बात हो रही है जब स्टारडस्ट जैसी मैगजीन्स को बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस खुद आकर अपनी खबरें बताती थी। इन खबरों के पीछे असली मुद्दा होता था अपनी ही फिल्मों का प्रमोशन, हॉट टॉपिक बने रहना और किसी तरीके से लोगों के लिविंग रूम की बातचीत का चर्चा का टॉपिक बनना। हम आज कुछ ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस को ये करते हुए देखते हैं तो हमें बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं लगना चाहिए। डोंट लेट एनीवन शेम यू अबाउट योर बॉडी, यू आर प्योर एंड डिवाइन, माय लव टू यू। या दैट वाज स्वीट, दैट वाज एक्चुअली नाइस ऑफ हर टू मतलब ऐसे इनकरेज करना। जब बात होती है कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेसेस की तो शुरू से ही एक कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ जाती है जो उनके करियर में बहुत पहले ही अपना कदम रख चुकी थी। अवार्ड शो को लेकर नजरिया क्या अभी आपका, क्योंकि बहुत सारे कंगना को 8 मिले थे, कंगना ने बाद में कहा कि बकवास होता है क्योंकि मिलना बंद हो गया। इस कंट्रोवर्सी का नाम था कंगना रनौत के लव अफेयर, चाहे वो आदित्य पंचोली के साथ एक अब्यूजिव रिलेशनशिप हो या फिर अजय एंड सुमन के साथ एक ब्लैक मैजिक वाला कमेंट। कंट्रोवर्सीज के थ्रू अपने आप को न्यूज में बनाए रखना कोई शॉर्टकट हो? वेल, इतिहास गवाह है इस बात का कि पहले से ही कई एक्टर एक्ट्रेसेस ने इसी थीम को अपना कर अपने करियर्स को बिल्ड किया है। खबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एक्चुअली खबर तो खबर है। और जब हम बात करते हैं कंगना जैसी एक्ट्रेस की तो काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज उसके साथ साथ चलती है। करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे। आपने कह दिया ये मूवी माफिया है, मुझे डर नहीं लगता उनसे। आखिर कौन भूल सकता है 2017 का कॉफी विद करण का वो एक्सप्लोसिव एपिसोड जब कंगना रनौत ने सीधा निशाना करा था करण जौहर के ऊपर, कॉलिंग हिम द नेपो किंग माफिया। बताया जाता है कि उस वक्त पर भी कंगना की फिल्म रंगून का प्रमोशन चल रहा था जिसके चलते कंगना ने इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी, लेकिन उसके बाद वो टॉपिक इतना वायरल हुआ कि आज तक करण जौहर को उस नेपो किंग से छुटकारा नहीं मिला है। लेकिन अगर हम 2017 से और पीछे चले जाते हैं तो हमको याद आता है 2016 का वो ऋतिक कंगना सोप ओपेरा जिसके बारे में हर बच्चे की जबान पर चर्चा गर्म था। किस तरीके से कंगना ऋतिक को केवल और केवल इमेजिन करती है। आयरनी इस बात की ये थी कि दोनों का लव अफेयर क्रिश 3 के शूट के दौरान हुआ था, लेकिन कंगना को किसी तरीके से गलत साबित करने के लिए ऋतिक के लॉयर्स ने ये बात माननी और ये मनवानी शुरू कर दी थी कि कंगना हलूसिनेट करती है और इस तरीके के 100-100 ईमेल्स जो कंगना ने ऋतिक को भेजे हैं एक्चुअली वो उसके इम्पोस्टर को इमेजिन करती आई थी और इसी तरीके से उसने ऋतिक को अपने जाल में फांसा है। इतना ही नहीं, न्यूज पोर्टल्स को एक काम मिला था 2016 के पूरे साल में कंगना और ऋतिक की इसी लीगल फ्यूड को लेकर कवरेज करने का। और आश्चर्य की बात यह है कि उस वक्त उस साल में कंगना की कोई भी फिल्म नहीं आई, जबकि आपको हैरत होगी ये जानकर कि 2015 में ही कंगना ने अपने करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स तन्नु वेड्स मन्नू रिटर्न्स दी थी और उससे पहले 2014 में वो क्वीन के साथ पूरी इंडस्ट्री पर अपना दबदबा जमा चुकी थी। ऐसे में ऋतिक कंगना की कॉन्ट्रोवर्सी आउट ऑफ नोवेयर हो जाना काफी ज्यादा शॉकिंग थी। इसका मतलब ये कि कहीं से भी ये डिराइव नहीं किया जा सकता कई बार कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ फिल्म प्रमोशंस के दौरान ही की जाती हैं। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज ऐसी होती हैं जो बिना समय के कभी भी कहीं से भी हो जाती हैं। खैर, वो सब जो भी हुआ, उसके बाद 2017 में कंगना को फिर से रंगून के दौरान कॉफी विद करण में जब बुलाया गया, वहां पर कंगना ने एक और ऐसा बयान जो दिया, उसके बाद फिर से कंगना के पास एक और मौका आया और उसने 2019 में अपनी फिल्म मणिकर्णिका को प्रमोट करने के लिए और भी कई तरह की बातें बोली। 2019 की ही बात है जब कंगना ने रणबीर और आलिया
दोनों को ही टारगेट करते हुए अलग अलग समय पर अलग अलग कमेंट्स किए थे। कंगना के कमेंट्स के हिसाब से उन्होंने रणबीर के ऊपर सीधा निशाना ये डाला था कि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर रणबीर कभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ काफी लग्जूरियस है और उनको लाइफ में पॉलिटिकल चीजों से या फिर अपने देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद रणबीर कपूर ने अपनी सफाई में ये भी कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में जो भी बातचीत करता है करता रहे। वहीं दूसरी तरफ कंगना ने आलिया को अपने एक कमेंट में ये कहा, ग्रो अ स्पाइन एंड स्टॉप बीइंग अ पपेट ऑफ करण जौहर, जिसके बाद आलिया ने अपने डिफेंस में ये कहा कि मैं कंगना को काफी पसंद करती हूं और मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया जिसके चलते कंगना मुझसे इतनी नाराज है। और इंसिडेंटली 2019 के बाद ही कंगना की कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाका मचाया हो, लेकिन शुरू से ही तभी से कंगना पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहने लग गई थी और किसी न किसी चीज पर उसका कमेंट जरूर आता था। किसी न किसी तरीके से कंट्रोवर्सीज में रहने वाली कंगना कभी कभी बिना बात की कंट्रोवर्सीज में भी पड़ जाया करती हैं। लेकिन कोई एक्टर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए ही कंट्रोवर्सीज करता है ऐसा कभी कभी जरूरी नहीं है, और अगर ऐसा होता भी है तो ये एक बहुत पुरानी प्रथा है जो आज तक चली आ रही है। एक रीसेंट डेवलपमेंट में भी कंगना को लेकर काफी आपत्तिजनक बातें बोली गई हैं फ्रॉम अ संगठन जिसको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे मैं किस बारे में बात कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, एक्टर्स इसी तरीके से अपने आप को न्यूज में बनाए रखने के लिए कॉन्ट्रोवर्सीज करते हैं या फिर ऐसा इंसिडेंटली कुछ एक्टर्स के साथ हो जाता है? आपकी क्या राय है लेकिन इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, डू द थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।